लड़का होने पर ये चार अंगों में दिखाई देते हैं बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे कि अगर एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु लड़का होता है तो कौन चार अंगों में बड़े बदलाव देखे जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की, या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला के शरीर में हॉर्मोन्स के बहुत उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, जिसके वजह से एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों, इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला को जो जानने की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला के शरीर में हॉर्मोन्स के बहुत उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, और हॉर्मोन्स का जो परिवर्तन होता है गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला के शरीर में, तो वो जो परिवर्तन होता है हर एक गर्भवती महिला में अलग अलग होता है। और दोस्तों, मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मेरे लिए लड़का हो या लड़की हो दोनों समान है, लेकिन मैं जो वीडियो बनाती हूँ जो गर्भवती महिला को जो जानने की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए। ठीक है, और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं, और इन चार अंगों में अगर एक गर्भवती महिला को बहुत बड़े बदलाव देखे जा रहे तो माना जाता है कि घर में पलने वाला शिशु एक लड़का है बोल के। ठीक है, पहला अंग है ब्रेस्ट में परिवर्तन। अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को अपने ब्रेस्ट पे बहुत भारीपन लगता है, या फिर जो राइट हैंड का जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द करता है और निप्पल का रंग काला पड़ जाता है, तो माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। दूसरा है कमर में दर्द। अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पहले महीने से लेकर आखिरी महीने तक अगर एक गर्भवती महिला ये कमर के दर्द से गुजरती है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। तीसरा है सरदर्द। अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को मतलब 4-5-6 महीने में अगर बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। चौथा है प्राइवेट पार्ट में दर्द। अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को 7वें, 8वें और 9वें महीने में बहुत ज़्यादा मतलब प्राइवेट पार्ट में दर्द करता है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। तो दोस्तों, यही था लड़का होने पर इन चार अंगों में दिखाई देते हैं बड़े बदलाव उसके बारे में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, या फिर आगे कुछ टॉपिक में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊँ तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।